Assalamualaikum viewers, welcome to Safiyan Motoring. तो काफी दिनों से इंतजार था इस गाड़ी का, जो कि ये है टोयोटा क्राउन सेडान। और ये पूरे पाकिस्तान में एक ही गाड़ी इस वक्त इंपोर्ट हुई है, वन ऑफ इट्स काइंड है। अगर हम बात करें, ये 2024 की गाड़ी है, मॉडल 2024 है और 2024 की इंपोर्ट है। क्राउन के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि इस मॉडल में और इस शेप में जो है, क्राउन ने इस बार जो है आपको फोर वेरियंट्स इसमें दी गई है, यानी फोर गाड़ियां हैं इसमें। एक इसमें एसयूवी आती है, एक जो कि क्राउन स्पोर्ट्स उसको कहते हैं, एक क्रॉसओवर आती है जो कि नॉर्मली पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा दी आ गई है, आरएस एडवांस जिसको कहते हैं, और एक उसमें स्टेशन वैगन आती है और एक इसमें क्राउन सेडान है। तो आज हम क्राउन सेडान की रिव्यू करेंगे। इसमें बेसिकली टू टाइप्स के इंजन आते हैं, एक 2.4 लीटर हाइब्रिड आती है, एक 2.5 लीटर फोर सिलेंडर हाइब्रिड आती है। तो ये जो है 2.4 लीटर टर्बो चार्ज हाइब्रिड गाड़ी है। तो अगर हम गाड़ी की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल फुल बॉडी की, तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि प्रॉपर सेडान शेप में है। फ्रंट में इसके काफ़ी एग्रेसिव लुक है, हम देखें तो नेक्स्ट लेवल है। हम जो है डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि इस गाड़ी को कहाँ से हम इसकी पहली फीचर्स को हाईलाइट करें। तो फ्रंट में अगर हम देखें तो इसकी क्वाड LED हेडलैम्प्स है और इसकी जो डे टाइम रनिंग लाइट है वो बिल्कुल कनेक्टिविटी है, जो कि एग्जेक्टिव एंड लग्जरी प्रीमियम एंड फ्यूचरिस्टिक लुक प्रोवाइड करती है। इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे एयर इनटेक दिया गया है और इसमें हमारे पास रडार सिस्टम आ जाते हैं। फ्रंट की अगर हम बम्पर की बात करें तो इसमें हमारे पास इसका जो है एक ओशन स्टाइल ग्रिल आ जाते हैं, जिसके अंदर हमारे पास इसके जो है पार्किंग सेंसर्स दी गई है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हम यहाँ पे हमारे पास साइड्स इसके फ्रंट लिप गार्ड आ जाती है, जो कि क्रोम फिनिश के अंदर है। यहाँ पे भी हमारे पास मैट क्रोम फिनिश दी गई है। यहाँ पे हमारे पास एयर इनटेक स्टाइल दिया गया है, जो कि इसका फ्यूचरिस्टिक लुक प्रोवाइड करती है। तो गाड़ी की अगर हम इसके इंजन की बात करें, जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसमें एक 2.5 लीटर आती है, एक 2.4 लीटर, और दोनों हाइब्रिड है और ये जो है 2.4 लीटर है, और आई थिंक इसमें टर्बो चार्ज है, 2.4 लीटर टर्बो चार्ज है, और ये जो है इलेक्ट्रिक मोटर के साथ जो है मिलकर ये तकरीबन 340 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। इस गाड़ी की अगर हम फ्यूल एवरेज की बात करें, जो कंपनी जो है क्लेम करती है, वो इन लोकल में ये गाड़ी जो है आपको 15 से लेके 18 किलोमीटर पर लीटर देगी, हाईवे पे जो है तकरीबन 20 किलोमीटर पर लीटर देगी। तो गाड़ी की अगर हम इसके साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड प्रोफाइल से ये गाड़ी काफ़ी एक एग्जेक्टिव लुक दे रही है। इसमें हमारे पास टायर जो है वो जो है 19 इंचेस के हैं, जो कि टर्बाइन स्टाइल में है और ये मैट क्रोम फिनिश के अंदर है, जिसके अंदर हमारे पास इसकी क्रोम बैजिंग आ जाती है। अगर हम इसकी यहाँ पे आ जाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका साइड स्कर्ट्स काफ़ी एक स्पोर्टी नेक्स्ट लेवल साइड स्कर्ट्स दी गई है। यहाँ पे हमारे पास जो है मैट फिनिश के अंदर जो है साइड फेंडर विंकर दिया गया है। अगर हम इसकी आ जाए तो इसमें हमारे पास जो है 360 कैमरा एंड इंडिकेशन लाइट दी गई है एंड ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग है, और बाकी जो है डिफ्रॉस्ट सिस्टम है इसके मिरर के अंदर। अगर हम बात करें इसके टॉप रूफ पे, तो ये जो है हमारे पास मून रूफ आ जाती है, जो कि पैनोरामिक रूफ है। क्राउन क्रॉसओवर में जो है सनरूफ है, सिंगल टोन सनरूफ दिया गया है, और इसमें जो है हमारे पास टू टोन में दी गई है मून रूफ है। शार्क फिन एंटीना आ जाता है। अगर हम इसके यहाँ पे बात करें तो ये आप देख सकते हैं काफी लार्ज साइज में जो है यहाँ तक जो है इसकी जो है रियर कैबिन आई है, जो कि काफी स्पेशियस है। अब हम इंटीरियर की तरफ भी जाएंगे, लेकिन हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अगर हम ट्रंक की यहाँ पे आ जाएं तो मिनी स्पॉइलर दिया गया है, कनेक्टिंग लाइट्स इसमें दी गई हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि एक दूसरे लाइट को कनेक्ट करती है, काफी फ्यूचरिस्टिक लुक प्रोवाइड करती है। अगर हम यहाँ पे बम्पर में बात करें तो हमारे पास साइड स्कर्ट्स दी गई है, यहाँ पे हमारे पास रिफ्लेक्टर्स है, और मैट फिनिश के अंदर इसका जो है क्रोम लाइनिंग दी गई है, सोनार सेंसर्स है, और काफी एक नेक्स्ट लेवल लुक प्रोवाइड करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास टोयोटा की बैजिंग जो है वो काफी स्मॉल दी गई है। अब आते हैं गाड़ी की इसकी, अगर हम ट्रंक की तरफ आ जाएं तो ट्रंक इसका जो है पावर्ड है और हमारे पास काफी स्पेशियस स्पेस आ जाती है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास सारे टूल किट्स दी गई है, और इसके अलावा जो है आप इसको यहाँ से क्लोज कर सकते हैं, और इसमें यहाँ पे हमारे पास दो कैमरास आ जाते हैं, जो कि विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी प्रोवाइड करते हैं। 3D फॉर्म में इसकी क्राउन है, जो कि अलग अलग डिफाइन किया है इसके। तो अब चलते हैं गाड़ी की इसके इंटीरियर की तरफ। तो गाड़ी की अगर हम इसके फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीरियर में इसके डोर पैनल की बात करें, तो मुझे जो काफ़ी अट्रैक्ट करती है इसके डोर हैंडल्स, लार्ज साइज में है। यहाँ पे हमारे पास वुड ट्रिमिंग्स दी गई है, इसके मेमोरी सीट्स आ जाते हैं, साइड इसके विंडोज मिरर्स के कंट्रोल है, और इसमें लेदर अपोल्स्ट्री का यूज़ किया, जो कि नापा लेदर इसको कहते हैं, और काफ़ी सॉफ्ट है, और यहाँ से इसकी लॉक हो जाती है। यहाँ पे हमारे पास स्पीकर आ जाता है,
और यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसमें जो है एट वे एडजस्टेबल इसके इलेक्ट्रॉनिक सीट्स आ जाते हैं। यहाँ के फीचर्स की बात करें तो टेल गेट ओपनर है, इसमें फ्यूल पंप ओपनर है। अगर हम देखें यहाँ पे इसकी रेन सेंसिंग ऑप्शन आ जाती है, और यहाँ से इसके यहाँ पे रियर शेड ऑन ऑफ होती है, HUD है इसमें, और काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है। तो आइए इंटीरियर में और ऑप्शन हाईलाइट करते हैं। तो आइए गाड़ी स्टार्ट करते हैं। तो गाड़ी की वेलकमिंग जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी गेज क्लस्टर की अगर हम बात करें तो इसमें राइट साइड पे स्पीडोमीटर, लेफ्ट साइड पे हमारे पास चार्ज इको पावर की जो है गेज आ जाती है, और डिजिटल मीटर है इसके अंदर। हमारे पास अगर हम फीचर्स की बात करें तो इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है, ट्रिप ए बी डिस्टेंस की कंप्लीट जो है समरी प्रोवाइड करती है, पार्किंग सेंसर्स आप इससे ऑन ऑफ कर सकते हैं। एंड अगर हम बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी ड्राइव मोड्स की, तो ड्राइव मोड जो है इसमें एक इको आ जाती है, काफ़ी ज़बरदस्त ट्रांजिशन है इसमें। इसके अलावा फिर जो है हमारे पास इसमें ये वाली ऑप्शन आ जाती है जो कि RR कम है। इसके अलावा जो है हमारे पास इसमें स्पोर्ट्स मोड आ जाती है जो कि स्पोर्ट्स मोड के अंदर ही काफ़ी रेड हो जाती है। कस्टम मोड है इसमें, और इसमें जो नॉर्मली अगर आप इसको चलाएंगे तो इको मोड पे ही चलाएंगे, अगर आप फ्यूल एफिशिएंट इसको आप इससे अच्छी बेहतर फ्यूल एवरेज जो है अगर आप इससे लेना चाहें। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे जो इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ जाती है, गेज क्लस्टर दिया गया है जिसकी अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी मिल जाती है, एंड्रॉयड ऑटो आ जाता है, और काफ़ी सॉफ्ट टच के साथ है जो कि एक ही स्टाइल में दी गई है। यहाँ पे इसका वॉल्यूम अप एंड डाउन का जो कि अब ये जो है बटन ये इनका सिग्नेचर बन चुका है। ये बहुत सी गाड़ियों में जो है आपको यही दरमियान में एक वॉल्यूम अप एंड डाउन का बटन आएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास डुअल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल AC दिया गया है। इसमें हमारे पास इसका स्टेयरिंग व्हील की हीट जो है ऑप्शन आ जाती है। इसमें हमारे पास वेंटिलेटेड सीट्स आ जाती है। इसके अलावा जो है हमारे पास हीट सीट्स 3-way एडजस्टेबल है जो कि आप 3 उसमें आप इसकी हीट एडजस्ट कर सकते हैं। टाइप सी के पोर्ट्स हैं जो कि फास्ट चार्जिंग ये सपोर्ट कर सकती है। लेफ्ट साइड पे भी सीट जो है वो भी वेंटिलेटेड है, और इसके अलावा हीटेबल सीट्स हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी हमारे पास स्पेस दी गई है, और इसमें वायरलेस चार्जर आ जाता है, 2 ग्लास होल्डर्स है, आप इसमें फ़ोन रख सकते हैं आराम से। एंड अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास होल्ड बटन है, EV मोड का बटन आ जाता है। अगर आप इस EV में अगर आपकी बैटरी हेल्दी है, फुल चार्ज पे है, तो आपको EV मोड यूज़ कर सकते हैं। ऑटोमेटिक पार्किंग ब्रेक है, और इसमें हमारे पास जो है ECVT आ जाती है। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ का बटन है, स्नो बटन है, और वो ट्रिमिंग के साथ जो है इसकी काफ़ी ज़बरदस्त है। और इसमें जो है एम्बियंट लाइट्स दी गई है, इसके डोर और साइड में भी जो है काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी है। अगर हम इसके स्टेयरिंग व्हील की बात करें, जो एक सेटिस्फैक्ट्री ऑप्शन है इसमें, वो आप देख सकते हैं कि इसमें पैडल शिफ्टर्स हैं। इसके अलावा जो है इसमें हमारे पास राइट साइड पे एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल्स आ जाती हैं जो कि इसके मोड्स आप चेंज कर सकते हैं, लेन असिस्ट, प्री कोलिजन, लेफ्ट साइड पे मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये जो है ये ड्राइवर को सेंस करती है, अगर आप फॉर एग्जांपल आपकी आंख लग जाती है तो ये सेंस कर देती, तो इसकी स्टेयरिंग जो है वो वाइब्रेशन करती है। ये काफ़ी अच्छी सेफ्टी फीचर है इसमें दी गई है। बाकी अगर हम बात करें स्टेयरिंग व्हील जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। रेयर में हमारे पास इसका जो है रेयर व्यू कैमरा जाता है जो कि रेयर डिमिंग व्यू मिरर है, और ऊपर हमारे पास जो है अगर देखें तो इसमें हमारे पास इसकी जो है मून रूफ आ जाती है, काफ़ी ज़बरदस्त है। सिर्फ मून रूफ है, अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो है एक ग्लव बॉक्स दिया गया है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो है इसमें 360 व्यू कैमरा आ जाता है, क्योंकि सराउंड में हमारे पास ये आप देख सकते हैं कि हम गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन वो फिर भी जो है ये सारी चीज़ें जो है कवर कर रहा है, और ये पार्किंग के दौरान काफ़ी ये हेल्प करती है। एंड अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास जो है ये देखें टोयोटा पार्क एसेस 3D डिस्प्ले, ये सारी चीज़ें आ जाती है। डैशबोर्ड की बात करें तो क्राउन क्रॉसओवर और क्राउन सेडान ऑलमोस्ट सेम है, कुछ चीज़ों का फ़र्क है, बाकी इसमें जो इंटीरियर कलर है वो बिल्कुल चॉकलेट कलर इसमें इंटीरियर है जो कि लेदर अपोल्स्ट्री के साथ आती है, फुल कंप्लीट सॉफ्ट लेदर के हैं के साथ है, और ट्विटर्स दी गई है जो कि ये एक नेक्स्ट लेवल लग्जरी सेडान में ये गाड़ी आती है। यहाँ पे हमारे पास ग्लव बॉक्स आ जाता है जो कि काफ़ी एक अलग सी फील इस गाड़ी के अंदर है, जो कि क्राउन का कम्प्लीट ये गेम चेंजर है। और
आप देखें तो यहाँ पे भी AC वेंट्स दी गई है। गाड़ी में काफी ज्यादा फीचर्स हैं, ऐसे फीचर्स हैं कि शायद हमारे इस रिव्यू में भी हमसे कुछ चीजें रह भी जाए। तो गाड़ी की अगर हम इसकी रेयर कैबिन की तरफ आ जाएं, जो मेन इसकी लग्जरियस फील है वो इसकी रेयर कैबिन है। इसके जो सीट जो है वो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसके आर्म रेस्ट के अंदर जो है हमें काफी ऑप्शंस मिल जाती, दो ग्लास होल्डर है, लेकिन इस चीज ने सारे पैसे पूरे कर दिए। यहाँ पे हमारे पास इसकी रेयर शेड आप देख सकते हैं कि ये ऑन ऑफ होता है। इसके अलावा जो है इसकी सीट जो है वो हम आगे पीछे यहाँ से कर सकते हैं, लेफ्ट एंड राइट। और इसकी वेंटिलेशन, रियर सीट्स भी जो है वो भी वेंटिलेटेड है। हम इसके टेम्परेचर भी यहाँ से सेट कर सकते हैं। रिलैक्सेशन इसमें जो है आप देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल कंप्लीट जो है फुल बॉडी मसाज है। फुल ये आप देख सकते हैं, फुल बॉडी रिफ्रेशमेंट आ जाती है। ये काफी जबरदस्त है और मुझे काफी जबरदस्त इसमें फील्स हो रही है कि इसमें काफी अच्छी रिफ्रेशमेंट चीजें हैं। अपर बॉडी फुल कंप्लीट, आप इसको यहाँ से Level 1, 2, 3, 4 पे आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं और ऑफ भी कर सकते हैं। काफी एक नेक्स्ट लेवल है। और ये ऑप्शन आई थिंक मुझे, मैंने आज तक किसी गाड़ी में नहीं देखी बिल्कुल जो इसमें, इस गाड़ी में जो ऑप्शन है। इसके अलावा बिल्कुल यहाँ पे हमारे पास इसके AC वेंट्स आ जाते हैं, लेकिन इसमें ये वाली जगह ये काफी लार्ज साइज में है, जो कि ये फोर व्हील ड्राइव, ऑल व्हील ड्राइव में अक्सर आती है, तो इस वजह से ये काफी बड़ी साइज में दी गई है। क्राउन की बैजिंग है और AC वेंट्स है इसके अंदर, और काफी नेक्स्ट लेवल है। यहाँ पे टाइप सी पॉट्स आ जाती है। इसकी सीट जो है वो भी आप यहाँ से आगे पीछे एंड एडजस्ट कर सकते हैं। और एयर के लिए भी हमारे पास यहाँ पे AC वेंट्स दी गई है और एम्बियन लाइट्स भी है। तो यहाँ पे 3 एडल्ट्स आराम से बैठ सकते हैं। अगर आप इसकी लग्जेरियस एंजॉय करेंगे तो ये सिर्फ 2 बंदों के लिए बेहतर है। मून रूफ आ जाता है जो कि काफी लार्ज साइज में है, और रेयर पे हमारे पास इसका जो है कर्टन आ जाते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमारे पास इसके कर्टन आ जाते हैं, जो कि काफी एक नेक्स्ट लेवल है, और फुल प्राइवेसी इस गाड़ी में मौजूद है। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसमें हमारे पास जो है सक्शन डोर्स भी आ जाते हैं। तो ये थी 2024 क्राउन सेडान का, जिसकी मैंने रिव्यू की है। और जापानीज में आज तक मैंने ऐसी गाड़ी की, किसी गाड़ी की रिव्यू नहीं की जो कि इस गाड़ी में जो ऑप्शंस, जो फीचर्स थे, जो फील थी इस गाड़ी में, वो किसी गाड़ी में मैंने आज तक फील नहीं की। इसमें जो फीचर्स थे, काफी ऑप्शंस थे, काफी लुक वाइज ये काफी ग्रेटफुल गाड़ी थी। तो ये थी 2024 मॉडल क्राउन सेडान, जो कि वन ऑफ इट्स काइंड है। और ये गाड़ी इस वक्त अवेलेबल है ऑटोमोटिव इस्लामाबाद शोरूम पे, जो कि इनका E11 ब्रांच पे ये गाड़ी अवेलेबल है, जहाँ पे आप आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, और आपको अच्छे प्राइस ब्रैकेट में और गाड़ियां भी यहाँ पे मिलेंगी। तो वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। ये 2024 मॉडल है, 2024 की इम्पोर्ट है, क्राउन सेडान है, एस ग्रेड के, यानी ये 0 मीटर आई है। और अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें, फिर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।